ये इसको भी हमने भी देखा है, और जो मैंने प्रारंभिक रूप से एसडीएम से एक रिपोर्ट मंगाई थी उसमें ये कोई चपड़ासी नहीं है वहाँ पे, कोई प्राइवेट कर्मचारी उन्होंने अपने आप को उस व्यक्ति ने बताया जो पत्र में है, ऐसा कोई व्यक्ति भी सामने नहीं आया। तो मैंने आज अपने जो एडीएम है, एफआर है, उनको वहाँ पे भेजा है कि कौन ये व्यक्ति है, इसके बारे में पता कर लें। और राजाराम यादव नाम का तो कोई व्यक्ति अभी प्रारंभिक रूप से उन्होंने नहीं बताया, कोई राजाराम निषाद करके कोई व्यक्ति अभी वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैंने उनसे कहा है कि डिटेल में एक बार बात करें, क्या किसने ये चिट्ठी लिखी है, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है या फिर किसी की शरारत है जानबूझ के, और अगर कहीं पे कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, और अगर शरारत है तो उसमें भी वो किसने इसको किया है तो उस पर भी जाँच करेंगे। तो उसमें अब अपर जिला मैजिस्ट्रेट मुझे जांच रिपोर्ट देंगे, फिर हम लोग फर्दर इसमें। अक्सर कार्यालयों में देखे जाते हैं कि इसे प्राइवेट सेक्टर लोग रखे हैं। नहीं, प्राइवेट अब कोई भी व्यक्ति नहीं है किसी भी तहसील में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी तहसील में, थाने में, ब्लॉक में कहीं भी काम करता हुआ ना मिले। तो ये सभी हमारे ऑफिसर्स को, सभी लोगों को पता भी है, कोई व्यक्ति अगर कराता है तो वो अपने लिए खुद ही मुसीबत वो पैदा करेगा, और उसमें हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि उसमें विभागीय कार्रवाई करेंगे, उनका जो करियर है वो खतरे में आ जाएगा। तो आपके आपके माध्यम से फिर भी मैं फिर से समस्त अधिकारियों को और सभी जो तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, थाना स्तरीय जितने भी अधिकारी कर्मचारी गण हैं सबको मैं ये आगाह करूँगा कि किसी भी दशा में किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी बिचौलियों को अपने कार्यालयों में ना बिठाएँ, उनको एंट्री ना करने दें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार की एक शिकायत यहाँ ये काला ऑफिस में जो लैंड एक्विजिशन का ऑफिस है उसमें आई थी, उस पर हम लोग बहुत ही हैवी कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं, उसमें वो डिटेल जो जाँच है वो हमारी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से कोई भी बिचौलिया और कोई भी कर्मचारी मिलीभगत करके अगर ये प्रयास करेंगे कि शासकीय धन को कहीं पर उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ करें या लोगों को परेशान करें तो उस पर सख्ती से निपटेंगे, यही माननीय मुख्यमंत्री निर्देश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं।